अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल फ्री एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। पता बागुदय हॉस्पिटल शासकीय आईटीआई के बीच सुभाष नगर रोड करीला सागर। बूंद बूंद इकट्ठा करके अपन घड़ा भर के अपन सब अधिकारियों को खर्चा देने, जहाँ चपरासी से लेके हर ऑफिस में पैसा, हर अधिकारियों पैसा और पत्रकारों हो पैसा, मीडिया हो पैसा, खर्चा आवो जावो तो ट्रक रुक रहे, गाड़ियाँ रुक रही, सर्वेरों हो पैसा, जमाने भर में रुपये। तो सुना आपने, यह महोदय सरेआम कह रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक, अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक सभी को पैसा देना पड़ता है। अब जो ये सज्जन अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक की पोल खोल रहे हैं, इनका भी हम आपको परिचय जरूर देंगे। दरअसल यह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो सागर जिले के रहली के खरीदी केंद्र का बताया जा रहा है। जो वीडियो में शख्स नजर आ रहे हैं, वह खरीदी केंद्र संचालक अजय गोस्वामी हैं, जिनका किसी किसान ने अनाज की तुलाई न करने पर सरेआम रिश्वत मांगने का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में महोदय साफ साफ लफ्जों में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक पैसा देने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और, वीडियो में खरीदी केंद्र संचालक यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें ऊपर काफी पैसा देना पड़ता है, जो यह पैसा अपने घर से लाकर तो देंगे नहीं। बात बिल्कुल सच है और 100 आने हैं। अब यह पैसा अपने जेब से तो देंगे नहीं, वसूली तो जनता से ही होगी। बूंद बूंद इकट्ठा करके अपन घड़ा भर के अपन सब अधिकारियों को खर्चा देने, जहाँ चपरासी से लेके हर ऑफिस में पैसा, हर अधिकारियों पैसा और पत्रकारों हो पैसा, मीडिया हो पैसा, खर्चा आवो जावो तो ट्रक रुक रहे, गाड़ियाँ रुक रही, सर्वेरों हो पैसा, जमाने भर में रुपये। हालांकि अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस संबंध में जब मीडिया ने रहली एसडीएम से बात की तो उनका कहना है कि वायरल वीडियो की जानकारी लगी है, जिसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद अगर खरीदी केंद्र संचालक दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वीडियो के संबंध में एक शिकायत आई है कि उसके द्वारा खरीदी के लिए पैसे की मांग की जा रही है। उसके संबंध में 3 सदस्यीय समिति के गठन किया गया, तहसीलदार और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और जो सहकारिता निरीक्षक हैं, कल तक ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। अब इन खरीदी केंद्र संचालक पर क्या कार्रवाई होती है, यह तो फिलहाल आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन इन खरीदी केंद्र संचालक का सरेआम ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे भरने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप क्या कहते हैं इस वीडियो पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रहली से आंसू दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।